वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज लिटरेचर पोर्शन में हमारा टॉपिक होने वाला है एमएच अब्राम बुक से ओड, जो हम टर्म के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, स्टार्ट करते हैं। ओड डिनोट्स ए लॉन्ग लिरिक पोयम दैट इज सीरियस इन सब्जेक्ट एंड ट्रीटमेंट। सबसे पहले क्वेश्चन ही आपके सामने आ जाता है, व्हाट आर ओड्स? तो ओड क्या है? ए लॉन्ग लिरिक पोयम आंसर होना चाहिए हमारा। और इसके साथ में हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस भी क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे ए शॉर्ट लिरिक पोयम, अ पास्टोरल पोयम एंड इलिजी पोयम। ओके, तो हमें आंसर को फाइंड आउट करना होगा। तो आंसर होगा हमारा, ओड इज अ लॉन्ग लिरिक पोयम। ओके, आगे चलते हैं। दैट इज सीरियस इन सब्जेक्ट एंड ट्रीटमेंट। और इसका जो विषय होता है, इनका ट्रीटमेंट जो होता है, सीरियस होता है, ना कि ट्रिवियल, ठीक है, ना कि कॉमिकल। इनका जो विषय होता है, जो मुद्दा होता है, वो काफ़ी गंभीर चीज़ों को लेकर हो सकता है। हो सकता है वो किसी चीज़ को प्रेज किया जा रहा हो, किसी बात की भव्यता को बताना चाह रहा हो, ठीक है। अभी आगे डिस्कस हम करने वाले हैं। इलेवेटेड इन स्टाइल एंड इलेबोरेटेड इन इट्स स्टेंजियक स्ट्रक्चर। तो इसका जो सब्जेक्ट ट्रीटमेंट है वो सीरियस होना चाहिए, और इसका जो स्टाइल है काफ़ी भव्य होना चाहिए, स्प्लेंडेड होना चाहिए, शानदार होना चाहिए। एंड इलेबोरेटेड इन इट्स स्टेंजिक स्ट्रक्चर, और ये हर एक बात को व्यापक तरीके से, विस्तृत तरीके से एक्सप्लेन करता हुआ होना चाहिए, ठीक है। ओके, आप देखते हैं इसको शुरू किसने किया था। द प्रोटोटाइप वाज, देखिए ये जो बीच की चीज़ें हैं ना सारी हैं, तो नेट और पीएचडी लेवल पे इम्पोर्टेंट तो है, इक्वली नो डाउट, लेकिन चूँकि हम टीजीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इतना हमें सीरियस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीरियस इन सेंस कि हमको हाई लेवल का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमारे एग्ज़ाम में आ रहा है, लास्ट ईयर्स जो हमारे एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको इवेल्यूट करने के बाद में हमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स को टिक करना है और उन्हीं को पढ़ते जाना है, ठीक है। चलिए, तो जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वहाँ से इंपॉर्टेंट है, आपके सामने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। ओके, द प्रोटोटाइप वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई ग्रीक पोएट पिंडार। सबसे पहले इसको जो इस्टेब्लिश किया था, एक ग्रीक पोएट थे पिंडार, उन्होंने किया था। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी, तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले ओड को किसने स्टार्ट किया था। तो हमारा आंसर होगा ग्रीक पोएट पिंडार। वोज ओड्स वेयर मॉडल्ड ऑन द सॉन्ग्स बाय द कोरस इन ग्रीक ड्रामा। जो पिंडार थे उनके जो ओड्स थे वो किस पे आधारित थे? जो ग्रीक ड्रामा में कोरस हुआ करता था ना, उनके सॉन्ग्स पे आधारित हुआ करते थे। कोरस क्या होता है आपको पता होगा ग्रीक ड्रामा के अंदर। हिज कॉम्प्लेक्स स्टेंजास वेयर पैटर्न्ड इन सेट्स ऑफ थ्री मूविंग इन अ डांस रिदम टू द लेफ्ट एंड कोरस चैंटेड द स्ट्रॉफी मूविंग टू द राइट द एंटी स्ट्रॉफी देन स्टैंडिंग स्टिल द इपोट। तो इसमें जो स्टेंजास होते थे ना, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे, और उसमें क्या था कि ओड को गाना गाते हुए और कुछ नृत्य करते हुए, डांस करते हुए भी ओड को परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। और उनका जो परफॉर्म करने का स्ट्रक्चर था ना, वो ही उसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इस हिसाब से जान सकते हैं जी। जैसे मूविंग इन ए डांस रिदम टू द लेफ्ट, डांस रिदम में परफॉर्म करते हुए जब जो परफॉर्मर होते थे वो लेफ्ट साइड में जाते थे, लेफ्ट डायरेक्शन में जाते थे, तो उसको कह सकते थे, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉफी जी। तो लेफ्ट तरफ जाना, और कैसे जाना कि कोरस को गुनगुनाते हुए, चैंटेड करते हुए, है ना, गाते हुए जाना लेफ्ट साइड में, उस स्टाइल को कहते थे स्ट्रॉफी, ठीक है। ऐसा पिंडार ने अपने ओड में डेवलप किया था। मूविंग टू द राइट, और जब डांस करते करते, चैंटिंग करते करते जब वो राइट साइड में, राइट डायरेक्शन में आते थे ना, तो वो कहलाता था एंटीस्ट्रॉफी। इसके बाद में जब वो अपने ही प्लेस पे मिडिल सेंटर में आ करके रुक जाते थे तो उसको कहते थे इपोड, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं ओड के, और लेफ्ट साइड जाते समय क्या कहते हैं, और राइट साइड आते समय क्या कहते हैं, इवन स्टैंडिंग स्टिल फिर क्या कहते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ध्यान रखना हमें। ओके,
Now, the regular and Pindaric ode in English is a close imitation of Pindar's form. अब पिंडार तो ग्रीक के थे, उन्होंने वहाँ पे डेवलप किया था ओड को. इंग्लिश में कैसे आया? इंग्लिश में जब आया ना, तो ये पिंडार का जो ओड था, जिसको हम रेगुलर भी कह सकते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में. तो जो पिंडार का ओड था ना ग्रीक वाला, एकदम उसी का इमिटेशन, उसी की नकल करते हुए इंग्लिश में इन्होंने ओड को डेवलप किया. और जब इंग्लिश में ये आया ना, तो यहाँ पर भी ये स्ट्रॉफीज एंटी स्ट्रॉफीज को लेकर के और एक स्टेंजा पैटर्न में लिखा गया, मतलब कि एक स्टेंजा पैटर्न में स्ट्रॉफी एंटी स्ट्रॉफी को डेवलप किया एंड ऑल द इपोड्स इन अनदर. यानी इनके जो तीनों ये जो परफॉर्म करने का स्टाइल था, ये सभी ये अपने साथ लेकर के आए, यानी डेवलप किया अपनी जेनर में इसको, ओड में. ठीक है. दिस फॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू इंग्लैंड बाई बेन जॉनसन्स ओड. अब देखिए, एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कि ये जो फॉर्म था ना, ये इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस्ड किसने किया था? तो ये किया था बेन जॉनसन ने, जिनको हम कॉमिकल सेटायर के लिए जानते हैं, करेक्टिव कॉमेडी के लिए जानते हैं, सेटायर लिखने के लिए जानते हैं. ठीक है. बाई बेन जॉनसन्स ओड टू द इमॉर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबल पेयर सर ल्यूसियस कैरी एंड सर एच मॉरिसन. अच्छा, और किस रचना में, किस कंपोजिशन में इन्होंने ओड को इंट्रोड्यूस किया था? टू द मॉर्टल मेमोरी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मार करके चलेंगे. टू द मॉर्टल इमोर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबल पेयर सर ल्यूसियस कैरी एंड सर एच मॉरिसन. ठीक है, आगे चलते हैं. चलिए, तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी तैयार हो गए कि किसने स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किसने किया था इंग्लिश ओड को, और जो पिंडारी कोड है इसका दूसरा नाम क्या है, कितने पार्ट्स हुआ करते थे, चैंटिंग होती थी या नहीं, कोरस से लिया गया है या नहीं. ठीक है, और किस कंपोजिशन में बेन जॉनसन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में. तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हमें भूलना नहीं है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब आते हैं हम यहाँ से थॉमस ग्रे जी. थॉमस ग्रेस द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, यानी ये जो कंपोजिशन है ना, ये भी एग्जाम्पल है किसका, रेगुलर ओड का. रेगुलर ओड मीन पिंडारी कोड का. ठीक है जी. चलिए, अगर आप नेट पर्पज से पढ़ना चाह रहे हैं या पीजीटी लेवल से पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप वीडियो को स्किप करके लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं. ठीक है, ओके. लेकिन अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जितना मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं उतना सफिशियंट है. ओके, चलिए नेक्स्ट. द इरेगुलर ओड, अभी तक तो हमने पढ़ा था पिंडारिक ओड, और पिंडारिक को ही हम पढ़ते हैं रेगुलर ओड. अब देखिए, अब दूसरा एक और इंग्लिश का ओड है, ध्यान रखिएगा. पिंडार ने जो क्रिएट किया था वो तो ग्रीक का था, और ग्रीक से ही वो इंग्लिश में ले आए थे, और वो नहीं लाए थे एक्चुअली, उनका जो ओड था वो लाया गया था बेन जॉनसन के थ्रू. ठीक है, जो अभी हम डिस्कस किया. और अब हम पढ़ने वाले हैं इरेगुलर ओड को. द इरेगुलर ओड आल्सो कॉल्ड द कवेलियन ओड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये इरेगुलर ओड को कवेलियन ओड के नाम से भी जाना जाता है. क्यों? बिकॉज इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1656 में. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी राइटर हैं, पोइट कहिए आप, बाई अब्राहम कावले. यानी अब्राहम कावले एक इंपॉर्टेंट राइटर हैं, उन्होंने इसको डेवलप किया था. ठीक है, अच्छा, डेवलप क्या किया था? एक तो पहले से बना बनाया था पिंडार का ओड, और उस ओड में कुछ चेंजेस करके इंग्लिश बनाया गया, और अब देखिए उसमें भी कुछ चेंजेस किया गया. चेंजेस करने के बाद में ये इरेगुलर ओड बना. ठीक है, जिसको हम कावले के नाम से जानते हैं. क्यों? क्योंकि अब्राहम कावले ने इसमें चेंजेस किए थे. ठीक है, हु इमिटेटेड द पिंडारिक स्टाइल एंड मैटर बट डिसरिगार्डेड द रिकरेंट स्टेंजिक पैटर्न इन इच स्ट्रॉफिक ट्रियाड. इंस्टीड ही अलाउड इच स्टेंजा टू एस्टैब्लिश इट्स ओन पैटर्न ऑफ वेरिंग लाइन लेंथ, नंबर ऑफ लाइन्स एंड राइमिंग स्कीम. जी, तो हुआ क्या था, जो ये कावलियन ओट बनाने वाले थे ना, कौन? अब्राहम कावले. इन्होंने 1656 में इसको स्टार्ट तो किया था, इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने क्या किया था ना, जो पिंडारिक स्टाइल में लिखा गया ओड था, यानी जो रेगुलर ओड था, पिंडारिक ओड था, उसको इमिटेट तो किया, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों को नकार दिया. ठीक है, जैसे स्टेंजा पैटर्न को नकार दिया, स्टॉपिक ट्रियाड को नकार दिया. ठीक है, और इसकी लाइन लेंथ, नंबर ऑफ लाइंस एंड राइम स्कीम में इसमें थोड़े चेंजेस कर दिए. ओके, और दिस टाइप ऑफ इरेगुलर स्टेंजाइक स्ट्रक्चर विच इज़ फ्री टू आल्टर टू अकॉर्डेंस विद शिफ्ट इन नंबर इन सब्जेक्ट एंड मूड. और उसके बाद ना इन्होंने चीज़ों को फ्री कर दिया, इसकी स्टेंजा स्ट्रक्चर को, कि इसमें कुछ भी परिवर्तन कर दिया किया जा सके फ्री होकर के. ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद शिफ्ट इन सब्जेक्ट एंड मूड, और अपने सब्जेक्ट, अपने मूड और सब्जेक्ट जैसा हो, उस अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंजेस किया जा सके, इस हिसाब से उन्होंने फ्री कर दिया.
ठीक है, और इसी वजह से ना इसका नाम पड़ा है इरेगुलर, जो कि किसी भी रेगुलर चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है ना, इसमें कुछ चेंजेस हैं। ओके, हैज बीन द मोस्ट कॉमन फॉर द इंग्लिश ओड इवर सिंस। और उसके बाद अब ये कॉमन जेनर, यानी कॉमन जो इसको कॉमन कर दिया गया, कहने का मतलब इरेगुलर को, इरेगुलर ओड को, ठीक है, जैसे पिंडार का ओड था वैसे ही इंग्लिश ओड इवर सिंस। अब आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकते हैं कि किसका क्या एग्जाम्पल है। जैसे हमने पढ़ा था कि बेन जॉनसन जो अपनी किसी कंपोजिशन में इस रेगुलर ओड को इंट्रोड्यूस किए थे, उसका जो नाम था, एक लंबा चौड़ा नाम था लेकिन हमें याद रखना है, भूलना नहीं है, जैसे नाम था टू द इमॉर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबल प्लेयर, उसके बाद सर लूसियस कैरी करके था ना, तो ये नाम याद रखना है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आपके सामने क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्ड्सवर्थ का ओड, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्या, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब वर्ड्सवर्थ ओड, क्योंकि वर्ड्सवर्थ तो हमारे सिलेबस में भी है, हम जब उनको पढ़ेंगे तब भी ये क्वेश्चन क्रिएट होगा, ठीक है, बोला नहीं है। वर्ड्सवर्थ का ओड जो इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी है 1807 में आया था, पोएम इन टू वॉल्यूम्स में, वो ध्यान रखना है। इस रिप्रेजेंटेटिव, कहने का मतलब ये जो ओड है वर्ड्सवर्थ का, ये भी इरेगुलर ओड का एग्जाम्पल है, हमें ध्यान रखना है। चाहे ये इरेगुलर करके ऑप्शन में दिया रहा होगा, या तो काउलियन ओड करके अगर ऑप्शन में रहेगा तो हमें वो टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट, पिंडर्स ओड वेयर इकोनोमियास्टिक, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिंडर के ओड्स वेयर इकोनोमियास्टिक थे, याद रखना है ये टर्म, दैट इज दे वेयर रिटन टू प्रेस एंड ग्लोरीफाई समवन। अब देखिए, जो पिंडार के ओड थे ना, वो प्रेज करने के लिए लिखे गए थे, ग्लोरीफाई करने के लिए, किसी की शान में लिखे गए थे, किसी की तारीफ करने के लिए लिखे गए थे। इन इंस्टेंस ऑफ पिंडार द ओड सेलिब्रेटेड ए विक्टोरियस एथलीट इन द ओलंपिक गेम्स। जैसे क्या था, एक एग्जांपल ले लीजिए आप, कि ओड को लिखा गया था सेलिब्रेट करने के लिए किसी ओलंपिक गेम के, ओलंपिक में, ओलंपिक जो गेम है उसमें किसी एथलीट की विक्ट्री के लिए इसको लिखा गया था, फिर परफॉर्म किया गया, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है पिंडारी कोड का, तो वही बताया जा रहा है आपसे। अब आप यहाँ से देखें, द अर्लियर इंग्लिश ओड एंड मैनी लेटर वंस वेयर आल्सो रिटन टू ईलोगाइज समथिंग, ठीक है। उसके बाद में जो अब पिंडार की तो नकल की ही गई थी इंग्लिश में, तो इंग्लिश ओड्स जब लिखे गए ना बहुत सारे, तो उनको भी लिखा गया था तारीफ में ही, तारीफ करने के लिए, लॉडिंग करने के लिए, ठीक है, प्रेस करने के लिए लिखा गया था। सच ए पर्सन जॉन ड्राइडन्स, जॉन ड्राइडन का जो एन ए किलिंग क्रू है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। तो जैसे ये जॉन ड्राइडन का एन ए किलिंग क्रू है, ये हो गया ऑन द आर्ट ऑफ म्यूजिक ऑन पोइट्री अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एक सेकेंड जी माफ़ करिएगा, एक लाइन हम स्किप कर गए, चलिए पढ़ लेते हैं फिर से, डजेंट मैटर। और द आर्ट्स ऑफ म्यूजिक और पोइट्री ड्राइडन्स अलेक्जेंडर फीस्ट, ये भी पूछा जा सकता है कौन सा ओड है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। ब्राइडन्स अलेक्जेंडर फीस्ट और ए टाइम ऑफ डे कॉलिंस और टू इवनिंग, ये पहली बात तो इनका जेनर पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू इट्स जेनर या कंपोजिशन ये क्या है, ठीक है, तो वो हमें मालूम होना चाहिए क्या है, और कौन सा ओड है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो जो आप पढ़ रहे हैं जॉन ड्राइडन का एनी, एक सेकेंड, एनी किलिग्रू है, ब्राइटन का अलेक्जेंडर फीस्ट है, और कॉलिंस का ओ टू इवनिंग है, और थॉमस ग्रे का हिम टू एडवर्सिटी है, एंड वर्ड्सवर्थ का ओ टू ड्यूटी है, ये सभी ओड हैं। एंड रोमांटिक पोइट्स परफेक्ट द पर्सनल ओड ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड पैशनेट इमिटेशंस मीडिएशंस, यानी कहने का मतलब जो रोमांटिक पोइट भी हुए थे ना, उन्होंने भी इसको जो है परफेक्ट, यानी परफेक्ट बनाया था, इसमें इम्प्रूव किया था, पर्सनल ओड बनाया था इनको, ठीक है जी। अब वहाँ आप स्किप कर सकते हैं, यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। वर्ड्सवर्थ इंटीमेशन, जी हाँ ठीक है, वर्ड्सवर्थ इंटीमेशन ओड्स कॉलरिजेस डिजेक्शन एंड ओड शैलीज ओ टू द वेस्ट विन, मोर रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस लेटर टाइप आर एलन डेटिस ओ टू कॉन्फेडरेट डेथ एंड वेलिस स्टीवेंस, स्टीवेंस द आइडिया ऑफ ऑर्डर एट की वेस्ट। तो ये सबको हमें ध्यान रखना है कि किस टाइप का ओड है और अकॉर्डिंग टू जीनर है क्या, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, उसके बाद अपना आंसर टिक करना है जी। नेक्स्ट, अब आता है हमारा एक और टाइप, अगेन ओड का ही टाइप है, द होरेशियन ओड। द होरेशियन ओड वॉज ओरिजिनली मॉडल्ड ऑन द मैटर टोन एंड फॉर्म ऑफ द ओड्स
ऑफ द रोमन होरेस। अब देखिए जो होरेस थे ना, होरेस को हम जानते हैं, होरेस एक रोमन पोएट थे और उन्होंने जो एक ओड को क्रिएट किया, डेवलप किया, उसको अपने ही नाम पे रख दिया, जिसको होरेशियन ओड कहा जाने लगा। ठीक है, अब ये किस पे आधारित था? ये मैटर था, जो टोन था एंड फॉर्म था ओड्स का, मतलब ये जो होरेशियन ओड था, अभी इनका जो मैटर, टोन और फॉर्म था, ये सभी जो है होरेस के बनाए हुए ओड को कहा जाने लगा। यानी कि जो होरेस थे उन्होंने एक फॉर्म को क्रिएट किया और अपना नाम दे दिया इसको। ठीक है जी। इन कंट्रास्ट टू द पैशन, विजनरी बोल्डनेस एंड फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ पिंडर्स ओड्स, मैनी होरेशियन ओड्स आर काम, मेडिटेटिव एंड कोलोक्वियल, दे आर आल्सो यूजुअली होमोस्ट्रॉफिक। क्या था कि जो पिंडार ने जो ओड क्रिएट किए थे, उसमें से ये जो होरेशियन ओड था काफ़ी डिफरेंट था। थोड़ा कैसे डिफरेंट था? जैसे पिंडार के ओड में हमें पैशन देखने को मिलता है, विजनरी बोल्डनेस देखने को मिलता है, और लैंग्वेज जो थी वो काफ़ी फॉर्मल थी, ऑफिशियल थी, ये हम पिंडार के ओड में देखते हैं। तो बहुत सारे जो होरेशियन ओड्स थे वो कैसे डिफरेंट थे? डिफरेंट ऐसे थे ना कि जो होरेशियन ओड्स हुआ करते थे वो काफ़ी काम हुआ करते थे, मेडिटेटिव हुआ करते थे एंड कोलोक्वियल हुआ करते थे। ठीक है, और इसको ना दे आर आल्सो यूजुअली होमोस्ट्रॉफिक, और इसको हम होमोस्ट्रॉफिक भी कह सकते हैं। और वो होमोस्ट्रॉफिक क्या होता है आपके सामने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, एंड शॉर्टर देन द पिंडारिक ओड। अब देखिए ये जो पिंडारिक ओड थे ना, उनसे ये छोटे हुआ करते थे लगभग। कौन? होरेशियन ओड। एग्जाम्पल्स आर मार्वल्स एंड होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, ध्यान रखेंगे आप इसको, कि ये ओड किसका है, ये जीनर में क्या है। ठीक है, या अगर ये ओड है तो कौन सा ओड है? जो मार्वल है, मार्वल का एन होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ये ध्यान रखना है होरेशियन ओड का टाइप है। एंड केट्स ओड टू ऑटम 1820, ये तो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मत कहिए आप, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1820 में आया था ओड टू ऑटम, ये भी होरेशियन ओड का टाइप है। ठीक है, तो चलिए हमने फिनिश कर लिया है आज ओड को, और फिर से हम एक बार एक नज़र से देखेंगे और अपने आप में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि ओड क्या था। ओड काफ़ी सीरियस सब्जेक्ट मैटर के साथ में होता है, इलेबरेटेड स्टाइल में होता है, इलेबोरेटेड होती है इसकी स्टाइल। और सबसे पहले स्टार्ट किया था पिंडार ने, जो कि ग्रीक पोएट थे, और ग्रीक पोएट थे ये पिंडार, और इन्होंने जो है वही पिंडार का जो ओड था वैसे ही इंग्लिश में भी बनाया गया, और इंग्लिश में बिल्कुल पिंडार के ओड की नकल की गई, और जिसको इंट्रोड्यूस कराया था बेन जॉनसन ने। और बेन जॉनसन ने अपनी एक रचना में टू द इमॉर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबल पेयर सर ल्यूसियस कैरी, इस टाइप का एक कोई कंपोजिशन लिखा, उसमें इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने किसको? पिंडारिक ओड को। ठीक है, और पिंडारिक ओड का दूसरा नाम होता है रेगुलर ओड, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो थॉमस ग्रे की जो प्रोग्रेस ऑफ पोएसी है 1757 में जो आई थी, ये भी एक टाइप है किसका? रेगुलर ओड का, यानी पिंडारिक ओड का। उसके बाद में हमने पढ़ा कि रेगुलर ओड जो था ना, ये अब्राहम कावले ने स्टार्ट किया था 1656 में, जिसको बाद में कावलियन ओड के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक, तो जाना जाने लगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि जो पिंडारिक ओड था उसकी नकल तो की, लेकिन कई काफ़ी इसके जो फॉर्म्स थे उसको फ्री छोड़ दिया, और वो जो फ्री छोड़ने का रीज़न था कि इसका जो सब्जेक्ट है या जो ओड का जो स्ट्रक्चर है, जो मूड है, वो हमारे अकॉर्डिंग हो। ठीक है, जैसा हम चाहें वैसे उसको डाल सकते थे अपने शब्दों में। और इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थे, जैसे कि ओड इमिटेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट 1807 में आया था, पोएम इन टू वॉल्यूम्स, ये ध्यान रखना है, ये पूछा जाने की पूरी पूरी चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद पिंडार के जो ओड्स थे वो इकोनोमियास्टिक होते थे, ये आपसे पूछा जा सकता है, और क्या करने के लिए इसको लिखा जाता था? पिंडार के ओड्स को यूलोजाइज करने के लिए, प्रेस करने के लिए लिखा जाता था, ओलंपिक में किसी एथलीट को की विक्ट्री दिखाने के लिए परफॉर्म किया गया था ओड को। और उसके बाद हमने पढ़ा कि होरेशियन ओड भी एक टाइप होता है ओड का, जो कि इसका सब्जेक्ट मैटर जो होता है दिया था रोमन के जो होरेस एक पोएट है, उन्होंने दिया था। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने जो पिंडार का ओड था उसकी भी थोड़ी बहुत नकल की थी, लेकिन इसमें चेंजेस क्या किए थे कि जो इनके ओड थे वो काफ़ी काम थे और काफ़ी कैसे थे, एकदम कोलोक्वियल थे। ठीक है, और उनको होमोस्ट्रॉफिक कहा जा सकता है। तो ये आप इकोनोमियास्टिक और होमोस्ट्रॉफिक ये भी ध्यान रखेंगे कि किस किस ओड के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, चलिए, तो आई होप वीडियो लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, बाय बाय।